विभिन्न प्रकार के धातु अयस्कों तथा उनकी छत्तीसगढ़ में उपलब्धता जान लाने के बाद आइए अब हम जानते हैं कि किसी धातु अयस्क से धातु किस प्रोसेस के द्वारा प्राप्त की जाती है। किसी धातु अयस्क से धातु प्राप्त करने के पहले सबसे जो महत्वपूर्ण कदम होता है वो है सही अयस्क का चुनाव। किसी भी अयस्क का चुनाव करते समय हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि उस अयस्क की हमारे क्षेत्र में उपलब्धता कितनी है, क्योंकि कोई कम क्वालिटी वाला अयस्क भी यदि हमारे क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में मिलता है तो उसका चयन ही धातु के निष्कर्षण के लिए किया जाता है, क्योंकि उसकी उपलब्धता अधिक होने की वजह से वह हमें सस्ते दर पर प्राप्त होता है। दूसरी बात होती है धातु अयस्क से धातु प्राप्त करने की जो पूरी प्रोसेस है वो सुविधाजनक सरल होनी चाहिए और साथ ही साथ कम खर्चीली होनी चाहिए, क्योंकि जितनी अधिक खर्चीली प्रोसेस होगी उसकी सारी लागत धातु की कीमत में जुड़ जाएगी और हमें प्राप्त होने वाली धातु उतनी महंगी होगी। तीसरी और महत्वपूर्ण बात ये कि हम ऐसे अयस्क का चुनाव धातु प्राप्त करने के लिए करेंगे जिससे प्राप्त होने वाली या वायुमंडल में मिलने वाले प्रदूषण की मात्रा कम हो। उदाहरण के लिए आयरन अपने ऑक्साइड अयस्क जैसे कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट इसमें भी मिलता है। इसके अलावा आयरन हमें अपने पाइराइट अयस्क यानी कि सल्फाइड अयस्क के रूप में भी मिलता है। तो यहाँ पर हम आयरन के लिए ऑक्साइड अयस्क का चुनाव करते हैं क्योंकि इससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है, क्योंकि यदि हम आयरन के लिए आयरन पाइराइट अयस्क का चुनाव करेंगे तो उसमें आयरन के साथ सल्फर होती है जो कि वायुमंडल के ऑक्सीजन के साथ या जब हम उसकी भर्जन प्रोसेस करेंगे तो वहाँ पर वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है जो कि वातावरण में मिलेगी और वातावरण को प्रदूषित करेगी। तो इस तरह से हम ऐसे अयस्क का चुनाव करते हैं जिसकी उपलब्धता अधिक होती है, जिसकी प्रोसेसिंग चार्ज कम होती है और जिससे होने वाला प्रदूषण कम होता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि किसी भी अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रोसेस कौन कौन सी होती है। यहाँ पर हम बता दें कि धातु अयस्क से धातु प्राप्त करने की जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबी है और कई पदों में विभाजित है। साथ ही साथ इस पूरी प्रोसेस में बहुत से वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं और इन सारी प्रक्रियाओं को मिलाकर हम एक साथ धातुकर्म या मेटलर्जी कहते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं पहले कि ये जो मेटलर्जी प्रोसेस होती है, पूरी धातुकर्मी प्रक्रम होता है, उसके कौन कौन से पद होते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि जो मेटलर्जी प्रोसेस है इसको हम मुख्य रूप से 3 पदों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला पद होगा अयस्कों का सांद्रण यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अयस्कों का सांद्रण से तात्पर्य है कि जब हम अयस्क को खनन करके लाते हैं भूपरपटी से तो उसमें बहुत सारे जो अयस्क होता है उसके अलावा बहुत सारे रेत, मिट्टी या अन्य अशुद्धियां उपस्थित होती हैं जिसे हम गैंग या अधात्री कहते हैं। इस गैंग या अधात्री को धातु अयस्क में से पृथक करना ही धातु अयस्क का सांद्रण कहलाता है। इसे हम धातु अयस्क का प्रसाधन या फिर सज्जीकरण भी कहते हैं। अब ये जो सांद्रण की प्रोसेस है इसे हम फिर से 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहली प्रोसेस जो होती है वो होती है अयस्क का पल्वराइजेशन या जिसके अंतर्गत हम अयस्क को टुकड़ों में तोड़ते हैं, क्योंकि जो अयस्क खनन से आए होते हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी आकार में होते हैं, इसलिए उनको पहले छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है फिर उनकी ग्राइंडिंग की जाती है यानी कि उसे जितनी आवश्यकता हो उस आकार में बारीक पीस लिया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं जब भी किसी पार्ट को छोटे टुकड़ों में या बारीक टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है तो उसकी सरफेस एरिया बढ़ जाती है और उसकी क्रिया करने की दर भी बढ़ जाती है। इसीलिए सबसे पहले जो अयस्क हमें प्राप्त होता है उसकी क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग की जाती है यानी उसे चूर्णित किया जाता है और उसके बाद उसे पीस लिया जाता है। इसके बाद जो दूसरी प्रोसेस होती है अयस्क के सांद्रण की, तो अयस्क के सांद्रण की बहुत सी विधियां हैं। हम किस
अयस्क के सांद्रण के लिए कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? ये उस अयस्क तथा उसमें उपस्थित अधात्री या गैंग या जिसे हम अशुद्धि कहते हैं उसके स्वभाव पर निर्भर करती है। जैसे यहाँ पर हम बता दें कि जो अयस्क के सांद्रण की कई विधियाँ होती हैं, जैसे यहाँ पर है द्रवीय धावन जिसे हम हाइड्रोलिक वॉशिंग भी कहते हैं, इसके अलावा है गुरुत्वीय पृथक्करण यानी कि ग्रेविटेशनल सेपरेशन, इसके अलावा है मैग्नेटिक चुंबकीय पृथक्करण मैग्नेटिक सेपरेशन, इसके अलावा होती है फेन प्लवन विधि फ्रॉथ फ्लोटेशन मैथड। ये सारी विधियाँ भौतिक विधियों के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा एक रासायनिक विधि का उपयोग करते हैं सांद्रण के लिए और उस विधि को हम कहते हैं लीचिंग या प्रक्षालन। तो ये विधियाँ होती हैं सांद्रण की। यहाँ पर धातुकर्मी प्रक्रम का प्रथम पद समाप्त होता है, इसके बाद होता है द्वितीय पद यानी कि जो सांद्रित अयस्क है अब उससे हमें धातु प्राप्त करनी है। तो सांद्रित अयस्क से धातु प्राप्त करने की जो प्रोसेस है उसे भी पुनः दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहले पद में जो धातु अयस्क है वो हम जानते हैं कि जो धातु अयस्क होता है वो ऑक्साइड के रूप में सल्फाइड के रूप में कार्बोनेट के रूप में भिन्न भिन्न रूपों में हमें प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से अयस्क चाहे किसी भी रूप में हो उसे हमें पहले उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करना होता है। तो पहला पद होता है धातु अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन। और इस प्रोसेस में भी पुनः दो प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, एक होती है भर्जन रोस्टिंग और दूसरी होती है निस्तापन या कैल्शिनेशन। इसके बाद द्वितीय पद जो होता है जब धातु जो अयस्क है अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और किसके बाद अब हम उसका अपचयन करते हैं धातु में, क्योंकि धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाने के बाद उससे उसका अपचयन करना यानी कि उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा है उसे पृथक करना आसान हो जाता है और इस तरह से हम उसे धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन करते हैं। इस तरह से अपचयन करने के पश्चात जो हमें धातु प्राप्त होती है वह लगभग 97% तक शुद्ध होती है, पूरी तरह से 100% शुद्ध नहीं होती है। यहाँ पर हमारे धातुकर्मी प्रोसेस का द्वितीय पद समाप्त होता है। तीसरे चरण में अब आता है धातु का शुद्धीकरण यानी कि जो हमें 97% प्योर धातु अभी मिली है उसे हमें लगभग 99% या 100% तक प्योर करना है और इसे हम कहते हैं धातु का शुद्धिकरण या धातु का परिष्करण। और इसके लिए भी बहुत सी रासायनिक और भौतिक विधियां उपयोग में लाई जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर हम ले सकते हैं धातु का द्रवीकरण या फिर जोन पृथक्करण या जिसे हम प्रभाजी क्रिस्टलीकरण भी कहते हैं। इसके अलावा रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं जैसे कि वैद्युत अपघटन विधि। तो इन सारी प्रोसेस को ये पूरी जो पद हैं वह धातु कर्म के पूरे चरण को समझाते हैं। अब इसके बाद हम प्रत्येक पद को विस्तार से जानेंगे। तो चलिए अब हम सबसे पहला पद शुरू करते हैं यानी कि अयस्कों का सांद्रण। जैसे कि मैंने बताया जो अयस्क हमें प्राप्त होते हैं वह अयस्क के साथ साथ उसमें विभिन्न प्रकार के अशुद्धियाँ मिली होती हैं जैसे कि रेत या अन्य दूसरे पदार्थों के यौगिक या फिर कुछ अन्य अशुद्धियाँ होती हैं। इन्हें दूर करना ही अयस्कों का सांद्रण कहलाता है। और अयस्कों का किसी धातु के लिए हम कौन सी सांद्रण विधि का उपयोग करेंगे या उसमें अयस्क में उपस्थित धातु तथा उसके साथ जुड़े हुए गैंग की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले बताया इसकी कई विधियाँ हैं जिसमें कि भौतिक विधियों में आती है सबसे पहले द्रवीय धावन और या जिसे हम गुरुत्वीय पृथक्करण भी कहते हैं, इसके बाद है चुंबकीय पृथक्करण विधि, फिर है झाग उत्प्लवन विधि या जिसे हम फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड कहते हैं, और इसके बाद हम देखेंगे रासायनिक विधि जिसे हम कहते हैं निक्षालन या लीचिंग प्रोसेस। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं, पहली विधि है गुरुत्वीय पृथक्करण की विधि जिसे हम द्रवीय धावन या हाइड्रोलिक वॉशिंग भी कहते हैं। यह विधि अयस्क में उपस्थित धातु तथा उसमें उपस्थित गैंग या अशुद्धि के
अपेक्षित घनत्व में अंतर पर आधारित है। यहाँ पर या तो धातु या फिर गैंग या अधात्री दोनों के घनत्व में यानी कि द्रव्यमान में काफ़ी अंतर होना चाहिए। अब इसके लिए हम मुख्य रूप से जो भारी धातुएं होती हैं टिन, लेड तथा आयरन जैसी धातुओं के लिए इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि आयरन के लिए हम हेमेटाइट अयस्क इसके सांद्रण के लिए इसका उपयोग करते हैं या फिर इसके लिए जो क्रोमीमाइट अयस्क होता है उसके सांद्रण के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ये धातुएं भारी धातुएं होती हैं इनका घनत्व अधिक होता है, जबकि यहाँ पर उपस्थित रेत या अन्य अशुद्धि जो गैंग होते हैं इनके घनत्व में काफ़ी कमी होती है। इस प्रोसेस में अब ये प्रोसेस करने के लिए हम यहाँ पर आप देख सकते हैं एक संयंत्र का उपयोग करते हैं। इस संयंत्र में हम देखें कि जो हमारा चूर्णित अयस्क होता है उसे हम ऊपर इस तरह से नीचे गिराते हैं बारीक, और उसके बाईं ओर से हम यहाँ पर पानी की तेज धार फ्लो करते हैं। जैसे ही चूर्णित अयस्क नीचे गिरता है वह पानी की धार के साथ बहता जाता है, और यहाँ पर आप नीचे देखें यहाँ पर एक जिग जैग या सीढ़ी नुमा संरचना बनी होती है। तो जैसे ही पानी की तेज धार के साथ जो अयस्क चूर्णित अयस्क है वह आगे बढ़ता है तो अयस्क में उपस्थित जो भारी धातुएं होती हैं वह नीचे बैठ जाती हैं, जबकि गैंग जो कि हल्के होते हैं वो पानी की तेज धार के साथ बहकर आगे चले जाते हैं है। और इस तरह से जो धातु अयस्क जो नीचे बैठ गया है उसे एकत्रित कर लिया जाता है। तो चूंकि यहाँ पर घनत्व में अंतर की वजह से ये विधि उपयोग में लाई जाती है, इसीलिए इसे गुरुत्वीय पृथक्करण की विधि कहते हैं। इसके बाद दूसरी विधि है, दूसरी विधि जिसे हम कहते हैं चुंबकीय पृथक्करण। चुंबकीय पृथक्करण जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है यहाँ पर चुंबकीय गुण का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर देखा जाता है कि धातु अयस्क तथा उसमें उपस्थित आधात्री या गैंग दोनों में से किसी एक को चुंबकीय प्रकृति का होना चाहिए। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी लौह अयस्क होते हैं जैसे कि मैग्नेटाइट अयस्क जिसका सूत्र होता है Fe3O4, जब इसका सांद्रण किया जाता है तो वहाँ पर हम चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हेमेटाइट अयस्क होता है वो चुंबकीय प्रकृति का होता है, जबकि उसके साथ जुड़ी हुई रेत, मिट्टी ये सब अचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। इसी तरह से हम एक और उदाहरण ले सकते हैं कैसीटराइट, कैसीटराइट जिसे हम टिन स्टोन भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो टिन स्टोन है वह अयस्क तो अचुंबकीय प्रकृति का होता है, लेकिन इसके साथ जो गैंग उपस्थित होता है वह चुंबकीय प्रकृति का होता है, जिसे हम वॉल्फ्रेमाइड कहते हैं, यह चुंबकीय प्रकृति का होता है। तो यहाँ पर हम बता दें कि अयस्क या अधात्री दोनों में से कोई भी यहाँ पर चुंबकीय प्रकृति का हो तो उसके सांद्रण के लिए हम चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। इसके अलावा क्रोमोमाइट अयस्क का उपयोग भी करते हैं। यहाँ पर क्रोमोमाइट अयस्क में हम बता दें क्योंकि आयरन भी उपस्थित होता है क्रोमियम के साथ तो यह चुंबकीय प्रकृति का होता है, जबकि इसके साथ जो गैंग होती है वह सिलिका होती है जो कि अचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। तो इस तरह से ऐसे अयस्कों के पृथक्करण या सांद्रण के लिए हम चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि ये चुंबकीय पृथक्करण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। इसके लिए जो संयंत्र उपयोग में लाया जाता है वो इस प्रकार होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ जो संयंत्र है इसमें दो व्हील हैं। इसमें जो बाद वाला व्हील होता है वह चुंबक का बना होता है। पहले वाला जो व्हील है वह चुंबक का हो, बना हो या ना बना हो आवश्यक नहीं है। इसके चारों ओर एक लगातार कन्वेयर बेल्ट घूमता रहता है। अब हमारे पास जो अयस्क चूर्णित अयस्क होता है उसे हम इस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर ऊपर से गिराते हैं, और यह चूर्णित अयस्क जैसे जैसे बेल्ट घूमता है वैसे वैसे आगे बढ़ता है। और चूंकि हम जानते हैं कि जो चूर्णित अयस्क है उसमें जो अयस्क या गैंग दोनों में से एक की प्रकृति चुंबकीय होगी, तो ये चुंबकीय प्रकृति वाला जो भाग होगा वह कन्वेयर बेल्ट के साथ साथ चूंकि
व्हील चुंबकीय गुण रखता है, इसलिए उससे तब तक चिपका रहता है जब तक वह चुंबक के आकर्षण महसूस करता है। जैसे ही इसलिए वह काफ़ी अंदर तक आ जाता है और जैसे ही चुंबकीय गुण समाप्त होता है, उसके आकर्षण से दूर होता है, वो एक ढेर के रूप में गिर जाता है। जबकि जो अचुंबकीय पदार्थ होता है वो जैसे ही आगे बढ़ता है और कन्वेयर बेल्ट नीचे की तरह घूमता है, वो वहीं पर गिर जाता है। तो इस तरह से जो चुंबकीय पदार्थ होता है वो काफ़ी अंदर आकर एक ढेर बनाता है, जबकि जो अचुंबकीय पदार्थ होता है वो बिल्कुल व्हील के नीचे ही या व्हील से थोड़ा बाहर की ओर ढेर बनाता है। और इस तरह से हमें चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ दोनों पृथक पृथक प्राप्त हो जाते हैं, जिससे फिर हम आगे की प्रोसेस कर पाते हैं। यह है दूसरी विधि। इसके बाद हम तीसरी विधि की तरफ बढ़ते हैं। यह विधि है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड या फेन उत्प्लवन विधि। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें फेन यानी कि झाग का बहुत बड़ा रोल होता है। हम ये भी बता दें कि यह विधि सल्फाइड अयस्कों के लिए उपयोग में लाई जाती है। सल्फाइड अयस्क क्योंकि हल्के होते हैं और साथ ही साथ इनका गुण होता है कि यह तेल से भीग जाते हैं, यानी कि तेल की जो परत है इनके चारों ओर बन जाती है, और इसी गुण की वजह से इनका पृथक्करण हम फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा करते हैं। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कॉपर ग्लांस, जिसका सूत्र होता है Cu2S, यानी कि इसमें सल्फर उपस्थित होती है। इसी तरह से जिंक ब्लेंड यानी कि ZnS, इसी तरह से गैलेना यानी कि PbS, और इसी तरह से आयरन पाइराइट यानी कि FeS2, ये सभी सल्फाइड अयस्क हैं, और इसीलिए इनके सांद्रण के लिए हम फेन उत्प्लवन विधि का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर इस विधि में अयस्कों के लिए जो क्योंकि सल्फाइड अयस्क जैसे कि मैंने बताया सल्फाइड अयस्क के लिए उपयोग में लाई जाती है, क्योंकि सल्फाइड अयस्क तेल से भीग जाते हैं, तेल के प्रति स्नेह रखते हैं, जबकि जो गैंग होते हैं वो भारी होते हैं और जल के प्रति स्नेह रखते हैं। इस प्रोसेस को करने के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा हौज का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा बर्तन लिया जाता है और उसे जल से भर लिया जाता है। इसके बाद जैसे कि मैंने बताया इसमें ऑयल की आवश्यकता होती है, और इसलिए इसमें हम ऑयल का उपयोग करते हैं, जिसे हम संग्राही या कलेक्टर कहते हैं। और इसमें ऑयल के रूप में हम चीड़ का तेल या फिर कोई वसी अम्ल का उपयोग कर सकते हैं, या फिर रासायनिक पदार्थ होते हैं जेंथेट, जैसे कि सोडियम इथाइल जेंथेट, इनका उपयोग किया जाता है। ये जो भी तेल या फिर वसी अम्ल होते हैं, जैसे ही अयस्क के बारीक चूर्ण को इस पानी में डाला जाता है और इन संग्राहक या कलेक्टर पदार्थ को डाला जाता है, तो ये पूरी तरह से उसके चारों ओर लेयर बना लेते हैं। इसके बाद इसमें एक और, क्योंकि मैंने बताया कि जो झाग उत्प्लवन विधि होती है इसमें झाग का बहुत अधिक महत्व है, और हम जानते हैं कि झाग यदि तेजी से वायु प्रवाहित की जाए पानी में तो झाग बनती तो है, लेकिन उतनी ही जल्दी ये समाप्त भी हो जाती है। तो झाग बनी रहनी चाहिए जब तक कि अयस्क सेपरेट नहीं हो जाते, पृथक नहीं हो जाते। इसलिए झाग को स्थिरीकरण करने के लिए भी इसमें कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं, कुछ रसायन मिलाए जाते हैं, और इसमें मुख्य रूप से होते हैं जैसे कि एनिलीन या फिर इसमें क्रिसोल, ये रासायनिक पदार्थ हैं जो इसमें मिलाए जाते हैं, जो बनने वाले झाग को स्थायी बनाकर रखते हैं। इसके बाद जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जल में चूर्णित अयस्क डाल दिया जाता है, फिर इसमें कलेक्टर यानी कि विभिन्न प्रकार के चीड़ या वसी अम्ल तेल डाल दिए जाते हैं, और इसके साथ ही डाल दिया जाता है इसमें झाग स्थायी कारक। इसके बाद आप देख रहे हैं बीच में एक घूर्णी लगी हुई है,
उस जैसे ही उस घूर्णी को घुमाया जाता है वो काफी तेजी से रोटेट करती है और पूरी तरह से जो अयस्क के बारीक कण है पानी में घूमने लगते हैं। जो ऑयल होता है वो सल्फाइड अयस्कों के चारों ओर लेयर बना लेता है, जबकि जो गैंग होते हैं वो पानी से भीग कर नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। साथ ही साथ इस घूर्णी से लगे हुए जो ट्यूब है उसकी सहायता से इसमें काफी दबाव के साथ वायु प्रवाहित की जाती है। जैसे ही वायु प्रवाहित होती है पानी के बुलबुले बनते हैं और ये पानी के बुलबुले सल्फाइड अयस्कों के चारों तरफ चिपक जाते हैं और जैसे ही ये झाग ऊपर आते हैं उनके साथ जो सल्फाइड अयस्क के पार्टिकल्स हैं वो भी ऊपर आ जाते हैं और इस तरह से ऊपर आने के बाद इन्हें छिद्र युक्त बड़े बड़े चम्मचों की सहायता से पृथक कर लिया जाता है और सुखा लिया जाता है, क्योंकि सुखाने के इसके बाद ये झाग की मात्रा होती है वो समाप्त हो जाती है और हमें शुष्क अयस्क, शुष्क सांद्रित अयस्क प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से झाग उत्प्लवन विधि के द्वारा हम सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण कर लेते हैं। ये तीनों विधियाँ आपने जो देखी ये भौतिक पृथक्करण के अंतर्गत आती हैं। आइए अब एक विधि जानते हैं, रासायनिक विधि, या जिसे हम रासायनिक पृथक्करण की विधि, जिसे निक्षालन या लीचिंग प्रोसेस कहते हैं। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि इसमें जो अयस्क होता है वह किसी विलायक में आसानी से घुल जाता है और इस उपयुक्त विलायक की सहायता से हम इन अयस्कों का सांद्रण कर लेते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर हम एल्यूमिनियम के अयस्क जैसे कि बॉक्साइट या फिर सिल्वर, गोल्ड, कॉपर के अयस्कों का सांद्रण इस विधि के द्वारा करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लें बॉक्साइट, बॉक्साइट से एलुमिना के सांद्रण के लिए हम इस विधि का उपयोग करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं बॉक्साइट जो कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है जिसमें कि हाइड्रेटेड वाटर भी होते हैं, साथ ही साथ इसमें कुछ अशुद्धियां होती हैं जैसे कि सिल्का होते हैं या फिर आयरन, जो रेड बॉक्साइट होता है उसमें आयरन के ऑक्साइड भी होते हैं, इसके अलावा इसमें टिटेनियम का ऑक्साइड भी पाया जाता है। तो इन गैंग या अधात्री से बॉक्साइट को पृथक करने के लिए हम लीचिंग प्रोसेस का उपयोग करते हैं। यहाँ पर पहले पूर्व की तरह जो अयस्क होता है उसे बारीक पीस लिया जाता है और फिर इसे उपयुक्त विलायक जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड में इसे विलेय कर लिया जाता है। यहाँ पर जो बॉक्साइड होता है वह तथा इसमें उपस्थित जो सिलिका है, ये दोनों ही बॉक्साइट एल्यूमिनियम सिलिकेट बनाकर, एल्यूमिनियम सोडियम एल्यूमिनेट बनाकर तथा जो सिलिका होती है वह सोडियम सिलिकेट बनाकर घुल जाते हैं और विलयन में चले जाते हैं। इसके अलावा जितनी भी अशुद्धियां होती हैं वो अविलेय होती हैं। तो इस तरह से अब इस विलयन को छान लिया जाता है। जब हम विलयन को छानते हैं तो अशुद्धियां जो गैंग हैं वो तो पृथक हो जाते हैं, लेकिन विलयन में अब हमारे पास सोडियम एल्यूमिनेट के साथ साथ अभी भी सोडियम सिलिकेट उपस्थित होता है, यानी कि सिलिका की जो अशुद्धि है वह अब भी उपस्थित होती है। इसलिए अब इस विलयन में प्रेशर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड डाली जाती है और इस कार्बन डाइऑक्साइड से जो एल्यूमिनियम है एल्यूमिना क्रिया कर लेता है और पृथक हो जाता है, लेकिन जो सिलिका है या सोडियम सिलिकेट होती है वह पृथक नहीं हो पाती क्योंकि वह कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया नहीं करती और वह विलयन में ही रहती है। और इस तरह से हमें एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है यानी कि एल्यूमिना प्राप्त हो जाता है। अब ये जो एल्यूमिना प्राप्त हुआ है जिसमें कि अभी भी हाइड्रेटेड वाटर होते हैं यहाँ पर, तो इसलिए अब इसे गर्म किया जाता है और गर्म करने से ये जो इसमें हाइड्रेटेड वाटर हैं वो निकल जाते हैं और हमें एल्यूमिना यानी कि Al2O3 एल्यूमिनियम का ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से बॉक्साइट से एल्यूमिना प्राप्त करने के लिए हम लीचिंग प्रोसेस का उपयोग करते हैं। इसके अलावा भी जो बहुमूल्य धातुएं हैं जैसे कि मैंने बताया सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम या कॉपर, इनके सांद्रण के लिए भी हम लीचिंग प्रोसेस का उपयोग करते हैं।
तो ये सभी विधियां हैं अयस्कों के सांद्रण की विधियां, जिससे हम गैंग या अधात्री को पृथक करके अयस्क को प्राप्त कर लेते हैं। आइए अब आगे की प्रोसेस देखते हैं। अयस्कों के सांद्रण कर लेने के पश्चात अगला पद आता है सांद्रित अयस्क से धातु प्राप्त करना। और हम ये बता दें कि सांद्रित अयस्क से धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है वह धातु की सक्रियता तथा उसके प्रकृति पर निर्भर करती है। और इसी आधार पर जब हम देखते हैं कि हमारी सक्रियता श्रेणी में धातुओं की सक्रियता भिन्न भिन्न होती है, तो इसके आधार पर ही हम इनके निष्कर्षण के लिए विधियों का उपयोग करते हैं। जैसे कि हम देखें जो बहुत अधिक सक्रिय धातुएं होती हैं, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम, इन सभी धातुओं के निष्कर्षण के लिए हम वैद्युत अपघटनी विधि का उपयोग करते हैं, जिसमें हम इन धातुओं को पिघली हुई अवस्था में लेते हैं तथा इसमें दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो हम जानते हैं कि जो धातुएं होती हैं वो धनायन बनाती हैं, और इसीलिए ये अपने गलित अवस्था में या विलयन में से निकलकर ऋण वाले इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड पर जाकर डिपॉजिट हो जाती हैं, वहाँ अपचयित हो जाती हैं और जिन्हें हम शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं। तो जितनी भी सक्रिय धातुएं होती हैं उन्हें वैद्युत अपघटनी विधि के द्वारा शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा कुछ जो मध्यम या निम्न सक्रिय धातुएं होती हैं उनके निष्कर्षण के लिए हम रासायनिक विधियों का उपयोग करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो सक्रियता श्रेणी में जो ऊपर आने वाली धातु होती है, जो अधिक सक्रिय धातु होती है, वो अपने से कम सक्रिय धातु को उसके लवण विलयन में से प्रतिस्थापित कर देती है। और इसी सिद्धांत का उपयोग करके हम अधिक सक्रिय धातुओं का उपयोग करके कम सक्रिय धातु को उसके लवण मिश्रण में से पृथक कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा था, हमने कॉपर सल्फेट में यदि आयरन का टुकड़ा डालते हैं तो वहां पर कॉपर धातु पृथक हो जाती है। इसी तरह से जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक के ग्रेन्यूल्स डालते हैं तब भी कॉपर शुद्ध अवस्था में हमें प्राप्त हो जाती है, क्योंकि जिंक या आयरन कॉपर की तुलना में अधिक सक्रिय होते हैं और ये कॉपर के लवण यानी कि कॉपर सल्फेट में से कॉपर को प्रतिस्थापित कर देते हैं और हमें कॉपर धातु प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा जो बहुत ही निम्न सक्रिय धातुएं होती हैं, जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये धातुएं होती हैं, इन्हें प्राप्त करने के लिए केवल इनके सल्फाइड या जो ऑक्साइड अयस्क होते हैं इनको सिर्फ गर्म कर दिया जाए, यानी कि वायु की उपस्थिति में इनको गलनांक से नीचे तक केवल हम भर्जित कर देते हैं तो उससे हमें ये धातुएं प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन इसके अलावा जो धातुओं की एक बहुत बड़ा रेंज है, बहुत सारी जो ऐसी धातुएं हैं, जैसे कि हम इसमें ले लें जिंक है, आयरन है, टिन है, लेड है, कॉपर है, मरकरी है, ये सारी धातुओं के पृथक्करण करने के लिए, इन धातुओं को निष्कर्षित करने के लिए हम इन धातुओं के ऑक्साइड, कार्बोनेट या इनके सल्फाइडों से दो महत्वपूर्ण विधियों के द्वारा प्राप्त करते हैं। जैसे कि इसमें जो पहली विधि होती है उसमें हम सांद्रित अयस्क को उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं और दूसरे पद में हम इनके ऑक्साइडों को धातु में अपचयित करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं कि सांद्रित अयस्क को किस तरह से उसके ऑक्साइडों में परिवर्तित किया जाता है। यहाँ पर हम बताते हैं कि किसी सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क का सीधे अपचयन करने की तुलना में यदि हम उनको पहले ऑक्साइड में परिवर्तित कर लेते हैं तो उनका अपचयन ज़्यादा सुगम और सरल हो जाता है, क्योंकि सल्फाइडों या कार्बोनेटों की तुलना में धातुओं के ऑक्साइडों का अपचयन करना काफ़ी सरल होता है। तो इनके ऑक्साइडों में परिवर्तित करने की दो विधियाँ होती हैं। सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित करने की पहली विधि है निस्तापन या कैल्सिनेशन। यह विधि प्रायः हाइड्रेटेड अयस्कों
तथा कार्बोनेट अयस्कों के लिए उपयोग में लाई जाती है। उदाहरण के लिए यहाँ पर हम ले सकते हैं हाइड्रेटेड जो आयरन का ऑक्साइड होता है, इसके अलावा यहाँ पर कैलामाइन ले सकते हैं जो कि जिंक का कार्बोनेट अयस्क होता है। इसी तरह से हम डोलोमाइट ले सकते हैं जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट अयस्क हैं, या फिर चूना पत्थर जो कि कैल्शियम का कार्बोनेट अयस्क होता है। तो इन अयस्कों को उनके ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए निस्तापन या कैल्सिनेशन प्रोसेस का उपयोग में लाया जाता है। इस प्रोसेस को करने के लिए एक भट्टी उपयोग में लाई जाती है जिसे हम परावर्तनी भट्टी कहते हैं। इस भट्टी में पहले गर्म किया जाता है इसे, ताकि इसमें वायु की मात्रा सीमित हो जाए, क्योंकि जो निस्तापन प्रोसेस होती है उसमें हम सांद्रित अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में, कम से कम मात्रा में गर्म करते हैं इनके गलनांक से नीचे। यानी कि यदि हम मेल्टिंग पॉइंट तक गर्म कर देंगे तो धातु पिघल जाएगी और फिर उसे एकत्रित करना कठिन हो जाएगा। इसीलिए वायु की सीमित मात्रा में तथा गलनांक से नीचे तापमान पर हम इन्हें गर्म करते हैं, जिससे कि ये जो धातु के कार्बोनेट या हाइड्रेटेड ऑक्साइड होते हैं ये अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, और इसके अलावा जो यहाँ पर वाष्पशील अशुद्धियाँ होती हैं वो गर्म होकर वायु के साथ मिलकर बाहर निकल जाती हैं, और इस तरह से हमें धातु के ऑक्साइड प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर इसके बाद दूसरी जो प्रोसेस होती है सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित करने की, वह होती है भर्जन या रोस्टिंग। भर्जन या रोस्टिंग प्रोसेस सल्फाइड अयस्कों के लिए उपयोग में लाई जाती है, और इसमें जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उनको परावर्तनी भट्टी में ही, लेकिन वायु की कंटिन्यूस मात्रा में यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इनके गलनांक से नीचे तापमान तक गर्म किया जाता है, जिससे ये जो सल्फाइड अयस्क हैं ये पर्याप्त वायु यानी कि ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं और अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। साथ ही साथ ये जो सल्फाइड अयस्कों में सल्फर उपस्थित होती है वह भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेती है और सल्फर डाइऑक्साइड में परिवर्तित होकर वाष्प के रूप में बाहर निकल जाती है, और जितने भी सल्फाइड अयस्क में उपस्थित जो धातु होती है वह अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण के लिए यहाँ पर हम जिंक ब्लेंड जो कि जिंक का सल्फाइड अयस्क होता है ZnS, इसको इसके जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। साथ ही साथ जो गैलेना होता है यानी कि लेड का सल्फाइड, वह अपने लेड ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह से जो कॉपर ग्लैंस होता है, कॉपर का सल्फाइड अयस्क, वह अपने क्यूप्रिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और जो भी सल्फर की मात्रा होती है वह सल्फर डाइऑक्साइड में परिवर्तित होकर बाहर निकल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर हम ये भी बताते हैं कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, क्योंकि यदि ये वातावरण में जाएगी तो वातावरण को प्रदूषित करेगी, इसीलिए यह प्रोसेस के द्वारा ये सारी सल्फर डाइऑक्साइड को एकत्रित कर लिया जाता है और इसका उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में किया जाता है, जिससे कि सल्फर डाइऑक्साइड से होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि इस तरह से जो निस्तापन और भर्जन प्रोसेस है उसके फलस्वरूप धातु अपने धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। तो मुख्य रूप से यदि हम देखें कि निस्तापन और भर्जन में क्या अंतर है, तो यहाँ पर हम देखें निस्तापन या कैल्शिनेशन, इसमें अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में इसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे गर्म किया जाता है। इस विधि में, इस प्रक्रिया में हाइड्रेटेड ऑक्साइड, कार्बोनेट अयस्क, हाइड्रोक्साइड अयस्क आदि के लिए उपयोग में लाई जाती है। दूसरी ओर जो भर्जन प्रोसेस या रोस्टिंग प्रोसेस होती है उसमें अयस्क को ऑक्सीजन की नियमित उपस्थिति में इसके गलनांक से नीचे गर्म किया जाता है, और यह जो प्रक्रिया होती है सल्फाइड अयस्कों के लिए उपयोग में लाई जाती है।
इस तरह से यहाँ पर जो निस्तापन प्रोसेस होती है, तो जैसे हमने देखा जो हाइड्रेटेड ऑक्साइड होते हैं, कार्बोनेट होते हैं या फिर हाइड्रोक्साइड होते हैं, ये जैसे कि एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड, ये सभी अपने ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं और इनमें उपस्थित जो भी वाष्पशील अशुद्धियाँ होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं। दूसरी ओर जो भर्जन प्रोसेस होती है उसमें जो भी ऑक्साइड होते हैं अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं, जबकि सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में पृथक हो जाती है। आइए अब हम देखते हैं कि भर्जन और निस्तापन प्रोसेस के फलस्वरूप अयस्क में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा, चूंकि इन्हें उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो इसमें उपस्थित जितनी भी अशुद्धियां होती हैं, वाष्पशील अशुद्धियां, वह निकलकर बाहर चली जाती हैं। दूसरा, चूंकि इनमें से कुछ तत्व बाहर निकलकर चले जाते हैं, इसलिए ये जो अयस्क होता है वह अंदर से पोरस हो जाता है, छिद्रयुक्त हो जाता है, और छिद्रयुक्त हो जाने से इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे आगे की जो अपचयन की प्रक्रिया होती है वह अधिक तेजी से हो पाती है। इसके अलावा उच्च ताप पर गर्म करने से ये काफ़ी शुष्क और हल्के भी हो जाते हैं। धातु के निष्कर्षण का अगला पद है धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन। धातु ऑक्साइड के धातु में अपचयन करने के लिए पुनः दो विधियों का उपयोग किया जाता है। एक विधि होती है कार्बन अपचयन विधि और दूसरी विधि होती है रासायनिक विधि। कार्बन अपचयन विधि में हम अपचायक के तौर पर कार्बन कोक या कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग करते हैं, जिसमें हम धातु ऑक्साइड को कोक के साथ क्रिया कराते हैं, जिससे कि या कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया कराते हैं, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत अच्छी अपचायक होती है, इसलिए यह धातु ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को पृथक कर देती है और धातु को ऑक्साइड को धातु में अपचयित कर देती है तथा स्वयं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। कार्बन अपचयन विधि में उच्च तापमान रखा जाता है, इसीलिए इसे तापीय अपचयन भी कहते हैं, जिसमें कि धातु ऑक्साइड का कोक की उपस्थिति में अपचयन किया जाता है, जिससे हमें धातु प्राप्त होती है। और इसमें उच्च ताप, लगभग 1800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, यदि हम केल्विन में कहें तो 2000 से 2100 केल्विन तापमान की आवश्यकता होती है। दूसरी विधि होती है रासायनिक अपचयन की विधि, जिसमें कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पर हम अधिक सक्रिय धातु की सहायता से कम सक्रिय धातु को उसके लवण विलयन में से विस्थापित करके अपचयित रूप में प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से हम सांद्रित अयस्क से धातु को प्राप्त करते हैं। इसके बाद ये जो धातु प्राप्त होती है ये पूरी तरह से 100% शुद्ध नहीं होती है, इसलिए हम धातुओं के गुण के आधार पर विभिन्न प्रकार की धातु शोधन की विधियों का उपयोग करते हैं और इनका शुद्धिकरण या परिष्करण करते हैं। तो आइए जानते हैं धातु शोधन की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। धातु शोधन की विधियों में प्रायः जो धातु के साथ अशुद्धि मिली होती है उसके आधार पर तथा धातु के भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर हम किसी उचित विधि का उपयोग करते हैं। इस आधार पर धातु शोधन की भी बहुत सारी विधियां हैं, जैसे कि आसवन या डिस्टिलेशन विधि। दूसरी विधि होती है द्राव गलन, यानी कि द्रवित करने की लिक्विफिकेशन विधि होती है। तीसरी विधि होती है मंडल परिष्करण, या जिसे हम जोन रिफाइनिंग विधि कहते हैं। इसी तरह से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है वैद्युत अपघटनी विधि। इसके अलावा भी वाष्प अवस्था परिष्करण विधि या फिर क्रोमेटोग्राफी, वर्ण लेखनी विधि आदि विधियों का भी उपयोग किया जाता है। आइए इनमें से हम कुछ विधियों को विस्तार पूर्वक जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आसवन विधि, डिस्टिलेशन मेथड। आसवन का मतलब ये होता है कि हम किसी भी द्रव को वाष्प अवस्था में परिवर्तित करते हैं और फिर उस वाष्प को ठंडा करके फिर से द्रवित अवस्था में और अधिक ठंडा करके ठोस अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम इसी विधि का उपयोग करते हैं। तो निश्चित तौर पर हम
यहाँ पर ऐसी धातुओं के लिए ये विधि उपयोग में लाएंगे जिनके क्वथनांक कम होते हैं, अर्थात ये कम तापमान पर ही अपनी वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं। अब कम क्वथनांक वाली धातुएं जैसे कि जिंक हो गई, मरकरी जो कि स्वयं द्रवित अवस्था में होती है, तो इनका क्वथनांक कम होता है। तो इन्हें हम आसवन फ्लास्क में लेकर जैसे ही गर्म करते हैं, क्योंकि ये धातुओं के क्वथनांक कम होते हैं और इनके साथ जो उपस्थित अशुद्धियां होती हैं उनके क्वथनांक अधिक होते हैं, तो जब हम इन्हें गर्म करते हैं तो कम क्वथनांक वाली ये जो धातुएं हों उनके वाष्प पहले बनने लगते हैं। ये वाष्प बनकर ऊपर जाती हैं और फिर कंडेंसर की सहायता से, संघनित्र की सहायता से इन वाष्प को ठंडा करके पुनः द्रवीभूत कर लिया जाता है और अधिक अवस्था ठंडा करके इन्हें ठोस अवस्था में प्राप्त कर लिया जाता है। तो इस तरह से कम क्वथनांक वाली धातुओं जैसे कि जिंक और मरकरी, इन्हें हम शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के लिए आसवन विधि डिस्टिलेशन मेथड का उपयोग करते हैं। इसी तरह से दूसरी विधि है लिक्विफिकेशन मेथड या फिर द्रव गलन परिष्करण। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इसमें हम धातु, अशुद्ध धातु को द्रवित करते हैं और यह विधि तब उपयोग में लाई जाती है जिसमें कि धातु का गलनांक कम होता है जबकि उसके साथ उपस्थित जो अशुद्धियां हैं उनके गलनांक अधिक होते हैं। तो यहाँ पर भी हम एक ढालदार भट्टी जिसकी जो सतह होती है वो ढाल युक्त होती है, वहाँ पर अशुद्ध धातु को रखते हैं और उच्च ताप पर इन्हें गर्म किया जाता है। अब चूंकि जो शुद्ध धातु है उसका गलनांक कम होता है इसलिए अधिक ताप जैसे ही होता है ये पिघल जाती है और पिघल कर ढालदार सतह से बहते हुए आगे बढ़ जाती है, जिसे हम किसी पात्र पे एकत्रित कर लेते हैं और वहाँ इसे ठोस रूप में प्राप्त कर लेते हैं। जबकि जो अशुद्धियाँ हैं जिनके गलनांक बहुत अधिक होते हैं वो वहीं पर भट्टी में रुकी हुई होती हैं और इस तरह से हम द्रवित करके धातु को शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह से एक और विधि है मंडल परिष्करण या जिसे हम जोन रिफाइनिंग कहते हैं। यह विधि मुख्य रूप से बहुमूल्य धातुएं जैसे कि सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम के शुद्धिकरण के लिए उपयोग में लाई जाती है। साथ ही साथ जो अर्धचालक सेमीकंडक्टर्स होते हैं जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, इंडियम, इंडिकम, इनके शुद्धिकरण के लिए भी ये विधि उपयोग में लाई जाती है। ये जो विधि है यह इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि जो अशुद्धियां होती हैं, किसी भी जो शुद्ध धातु में उपस्थित जो अशुद्धियां होती हैं उनकी विलेयता धातु की ठोस अवस्था की तुलना में गलित अवस्था में अधिक होती है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम अशुद्ध धातु जो कि ठोस अवस्था में है लें और उसके आधे भाग को गर्म करके पिघलाएं, तो जो ठोस अवस्था में अशुद्धि होती है वह भी निकल कर गलित अवस्था की तरफ चली जाती है और जो ठोस अवस्था होती है उसमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है। इसी का उपयोग हम जोन परिष्करण विधि में करते हैं और इसके लिए जो संयंत्र उपयोग में लाया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें एक बेलनाकार पात्र होता है और इसमें इसके अंदर अक्रिय गैस का वातावरण रखा जाता है। इसके चारों ओर एक वृत्ताकार ऊष्मक लगा होता है, हीटर लगा होता है, जो कि इस बेलनाकार संयंत्र के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा सकता है। अब जो अशुद्ध धातु होती है उसकी छड़ बना ली जाती है और इसे बेलनाकार पात्र के अंदर रख दिया जाता है तथा इसके एक सिरे को ऊष्मक के द्वारा गर्म किया जाता है। जिस सिरे को गर्म किया जाता है वह पिघल जाता है और इसलिए पिघली हुई अवस्था में जो अशुद्धियां होती हैं वह आकर इसमें विलय हो जाती हैं, जबकि जो पिछला भाग है वह शुद्ध धातु का रह जाता है। इसके बाद यह जो ऊष्मक है वह आगे बढ़ता है और इसलिए अब आगे का भाग पिघली अवस्था में आ जाता है
जिससे जो अशुद्धियां होती हैं वह आगे के भाग पिघली हुई अवस्था में चली जाती हैं, जबकि जो पीछे की धातु है वह शुद्ध रूप में ठोस होती जाती है। और इस तरह यह ऊष्मक धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है और आगे वाले भाग को गलित करता है, जिससे पीछे से अशुद्धियां गलित वाले भाग में चली जाती हैं, विलय होती जाती हैं, जबकि पीछे वाला भाग शुद्ध होता जाता है। और इस तरह से जब वह सबसे किनारे पर पहुंच जाता है तो मैक्सिमम अधिकांश जो अशुद्धि की मात्रा होती है वह किनारे पर पहुंच जाती है। और जब यह ठोस अवस्था में आ जाती है उस अवस्था में इसे काट कर अलग कर लिया जाता है, क्योंकि अधिकांश अशुद्धि इस भाग में होती है और जो बची हुई छड़ होती है जो कि ठोस अवस्था में आ चुकी है उसमें शुद्ध धातु होती है। लेकिन यह प्रोसेस एक बार में ही हमें 99% या 100% शुद्ध धातु नहीं मिलती है, इसलिए इस प्रोसेस को कई बार रिपीट किया जाता है और अंत में हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से मंडल परिष्करण जोन रिफाइनिंग मेथड के द्वारा हम कीमती धातुओं को शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक सबसे महत्वपूर्ण विधि, और यह विधि है वैद्युत अपघटनी विधि। क्योंकि हमने पहले भी बताया बहुत सी धातुओं का शोधन इस विधि के द्वारा तो किया ही जाता है, इसके अलावा जितनी भी सक्रिय धातु हैं उन्हें भी शुद्ध अवस्था में या उनका जो सांद्रण है या इनका जो निष्कर्षण है वह भी इसी विधि के द्वारा किया जाता है। तो आइए जानते हैं यह विधि किस तरह से की जाती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक बड़ा पात्र है जिसमें कि दो इलेक्ट्रोड होते हैं, और इन इलेक्ट्रोड में हम जिस धातु को हमें शुद्ध करना होता है उसकी हम मोटी छड़ ले लेते हैं और उसे एनोड पर लगा देते हैं। यानी कि जो अशुद्ध धातु की मोटी छड़ होती है वह एनोड का काम करती है, तथा उसी धातु की शुद्ध जो छड़ होती है वह काफ़ी पतली लेते हैं और वह कैथोड का काम करती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो विद्युत अपघट्य लिया जाता है वह इसी धातु का कोई लवण होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमें कॉपर धातु का शुद्धिकरण करना है वैद्युत अपघटनी विधि के द्वारा, तो हम कॉपर की जो शुद्ध धातु की छड़ होगी उसकी मोटी छड़ लेंगे और उसे बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ देंगे, जिससे ये जो छड़ होगी वो एनोड का कार्य करेगी। और उसी तरह से कॉपर धातु की ही एक प्योर जो 100% प्योर कॉपर धातु होगी उसकी एक पतली सी छड़ लेंगे और उसे बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ देंगे, और इस तरह यह कैथोड छड़ की भांति कार्य करेगी। अब हम विद्युत अपघट्य के रूप में कॉपर का ही लवण, मान लीजिए कॉपर सल्फेट लेते हैं, उसे लेंगे और ये दोनों इलेक्ट्रोड को उसमें डुबा देंगे। अब जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो सबसे पहले विलयन में जो कॉपर सल्फेट है वह अपने आयनों में टूटेगा, यानी कि कॉपर 2+ आयन और सल्फेट 2-आयन में ये टूट जाएगा। अब चूंकि कॉपर में पॉजिटिव चार्ज है इसलिए यह कैथोड वाले इलेक्ट्रोड की कैथोड की तरफ प्रवाहित होंगे और वहाँ पर जाकर यह डिपॉजिट हो जाएगी। अब जैसे ही विलयन में से सारे कॉपर आयन जाकर कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएंगे, अपचयित हो जाएंगे, जो अशुद्ध धातु की छड़ है यानी कि जो एनोड छड़ है अब उसमें से धातु जो कॉपर है वह ऑक्सीकृत होकर विलयन में आने लगेंगे और वह भी धीरे धीरे कॉपर के जो शुद्ध छड़ थी यानी कि जो कैथोड छड़ है उसकी तरफ जाकर डिपॉजिट होने लगेंगे। यह पूरी प्रोसेस होने के पश्चात हम देखेंगे कि जो अशुद्ध धातु की मोटी छड़ थी जो कि एनोड का कार्य कर रही थी वह धीमे धीरे धीरे पतली हो जाती है, क्योंकि उसमें से सारे कॉपर आयन ऑक्सीकृत करके विलयन में आते हैं और विलयन से कैथोड पर जाकर अपचयित हो जाते हैं, और चूंकि सारे कॉपर आयन कैथोड रॉड पर अपचयित हो रहे हैं इसलिए कैथोड वाली जो रॉड है अब काफ़ी मोटी हो जाती है और उसमें पूरी तरह से शुद्ध 100% शुद्ध कॉपर हमें प्राप्त होती है। और चूंकि जो एनोड छड़ थी
उसमें कॉपर के अलावा अशुद्धियाँ भी थीं, तो वो सारी अशुद्धियाँ चूँकि अविलेय होती हैं इसलिए ये एनोड रॉड के नीचे ही पड़ी रहती हैं, जिसे हम एनोड पंग या एनोड का कचड़ा कहते हैं। और इस तरह से कैथोड रॉड पर हमें शुद्ध कॉपर धातु प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से वैद्युत अपघटनी विधि के द्वारा हम शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। तो ये सारी विधियां हैं जिनके द्वारा हम अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। तो देखा आपने कि जब हमने प्रोसेस शुरू की थी इसके पहले कैथोड प्लेट का जो भार था वो कम था, और प्रैक्टिकल के पश्चात हमने देखा कि जो कैथोड प्लेट है उसके भार में वृद्धि हो गई। इसका मतलब यह है कि एनोड में से कॉपर के आयन या विलयन में से कॉपर के आयन निकलकर कैथोड प्लेट पर जमा हो गए, और इसी विद्युत अपघटनी प्रोसेस के द्वारा हम अशुद्ध कॉपर से शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने धातुकर्मी प्रक्रम की पूरी पदों को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है।